के सदर कोतवाली क्षेत्र में पड़ने वाली काशीराम कॉलोनी में रहने वाली सपा कार्यकर्त्री शहाना और भाजपा कार्यकर्त्री ज्योति आपस में पड़ोसन थी। बीते विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों में अनबन हुआ करती थी और लगभग रोज ही मारपीट हुआ करती थी। इस बात को लेकर इनके घर सदर कोतवाली पुलिस, तहसीलदार सभी लोग पहुंचे और उन्होंने शहाना का घर चेंज कराकर काशीराम कॉलोनी के दूसरे ब्लॉक में करवा दिया, जबकि दबंग शहाना जबरदस्ती कॉलोनी के एक मकान पर कब्जा किए हुए है, मगर इससे कोई नतीजा हासिल न हुआ। कल देर शाम एक बार फिर शहाना और ज्योति आमने सामने आ गई और फिर चालू हुआ दे दनादन का खेल। दोनों में आपस में ऐसा गुत्तम गुत्था हुआ जैसे यह लोग ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीतने के लिए लड़ रहे हो। मैं ये समाजवादी पार्टी को सहयोग करती थी और मैं भाजपा को सहयोग करती थी। ये आए दिन जब मैं शाम को ट्रोलिंग करके आती थी, शाम को कहती थी जीतेगी तो साइकिल ही, तो क्यों जोर लगा रही है, तेरा कोई फायदा नहीं है। कई बार ये इसने मुझे रोड पे घेरा भी, कई बार इसने घेरा, कई बार मेरे जिस दिन भैया जीते थे उस दिन भी इसने भैया इसने बच्चों को मेरे बंद ऐसे मारा था। वो तो बाहर खींच रही थी, पड़ोस वाली महिलाओं ने अपने घर में खींच लिया था, बंद कर लिया था कि जब उसकी माँ आएगी तब बच्चे निकलेंगे बाहर। मतलब इससे पुरानी रंजिश यही रख रखी है कि मतलब समाजवादी पार्टी की तरफ क्यों नहीं होगी, इधर क्यों है। और उस दिन की घटना यह है कि मेरी बेटी दुकान पर गई थी आलू लेने के लिए, आलू लेने गई थी, उसने पीछे से जो है मतलब लिया और धारदार चाकू से मेरी सीधे ऐसे चेक चला दिया, जो वहीं फैल गई ले लिया, उसके बाद इसलिए वहीं फैल गई लड़की। जब मेरे को किसी ने फोन करके लोगों ने बताया तो मैं देने गई बताने गई उसको, तो इसने मेरे ऊपर भी मतलब आदमी और औरतें सब लगा के उसने मेरे ऊपर धावा बोल दिया, मेरे साथ बुरी तरह से मारपीट करी। यानी कुल मिला के लड़ाई चुनावी लड़ाई है, वो चुनावी लड़ाई है, चुनाव से ही लड़ाई है मुझसे। और मीडिया वाले हैं उनके घर से चाकू दिया इन्होंने, और चाकू देते इन्होंने मीडिया वाले के घर से चाकू देते इन्होंने, और वहाँ से उनका लड़का और उनके आदमी है उन सब ने उनका सहयोग करा है। और ये लोग मेरी लड़की का गला पकड़े थे, मीडिया वाले का लड़का गला पकड़ के उसका पूरी तरह से मतलब खींचता है। संभल जिला प्रशासन और पुलिस ने भूरा कुख्यात गैंगस्टर 86 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति कुर्क की है। दरअसल गैंगस्टर ने गौकशी के जरिए लाखों रुपए की संपत्ति अर्जित की थी। यूपी के संभल में अपराध और अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके तहत प्रशासन और पुलिस ने एक कुख्यात गैंगस्टर भूरा की 86 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति कुर्क की है। दरअसल गैंगस्टर ने गौकशी के जरिए लाखों रुपए की संपत्ति अर्जित की थी। गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही के क्रम में अवैध कार्यों से अर्जित की गई संपत्ति को चिन्हित कर पुलिस ने जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेजी थी। वहीं जिलाधिकारी के आदेश पर आज पुलिस और प्रशासन ने कुख्यात गैंगस्टर के मकान की मुनादी कर कुर्की की कार्यवाही की है। पुलिस का दावा है कि इसी तरह से अपराधियों के खिलाफ आगे भी कार्यवाही जारी रहेगी। संभल के थाना असमोली क्षेत्र के गाँव मंसूरपुर माफी में अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति को संभल के जिलाधिकारी मनीष बंसल के आदेश पर असमोली पुलिस द्वारा सील किया गया। थाना असमोली क्षेत्र के गांव मंसूरपुर माफी के रहने वाले भूरा इसाक के असमोली पुलिस द्वारा 86 लाख की संपत्ति जब्त की गई। बताया जा रहा है कि भूरा का गौ तस्करी में बहुत लंबे समय से सक्रिय था। भूरा पर पहला मुकदमा 2013 में डिडौली थाने में लिखा गया था, तो वहीं दूसरा मुकदमा 2019 में असमोली थाना में लिखा गया और 2019 में ही भूरा पर गैंगस्टर में कार्यवाही की गई। भूरा की संपत्ति की जांच की गई तो भूरा की अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति की जानकारी प्राप्त हुई, तो वहीं संभल के जिलाधिकारी मनीष बंसल द्वारा संपत्ति सील करने के आदेश दिए गए। असमोली पुलिस द्वारा आज भूरा की लगभग 86 लाख रुपए की संपत्ति सील की गई। संभल के थाना असमोली क्षेत्र में नईम कुरैशी पुत्र लई कुरैशी और इनके 3 अन्य सदस्य इनके द्वारा एक गैंग के रूप में गौ तस्करी का कार्य किया जा रहा था। इनके विरुद्ध कई गंभीर अपराध में मुकदमे पंजीकृत किए गए थे 2013 से लेकर 2019 के बीच में, और गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत इनके विरुद्ध कार्रवाई की गई। पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर इनकी सदस्यों की लगभग 86 लाख की संपत्ति जो अपनी अवैध गतिविधियों से इन्होंने अर्जित की है उसकी कुर्की जिला प्रशासन द्वारा की गई है।
ये 86 लाख की जो मकान है इनकी कुर्की की जाएगी और अग्रिम आदेशों तक जो इसमें कोर्ट के न्यायालय के आदेश होंगे उसके आधार पे। एटा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थों की बिक्री बरामदगी तथा अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा छापामार कार्यवाही के दौरान अलग अलग स्थानों से 2 महिला सहित कुल 7 अभियुक्तों को 3 किलो 800 ग्राम गांजा, 1 किलो 100 ग्राम नशीला पाउडर, डायपाजाम तथा 400 ग्राम चरस सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है। आपको बता दें, गुरुवार को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा छापामार कार्यवाही के दौरान एटा सटीक रोड पर GIC कॉलेज गेट के पास से 2 तस्करों प्रवीण कुमार व सुनहरी लाल को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों की जमात लाशी में उनके कब्जे से 550 ग्राम नशीला पाउडर डायपाजाम बरामद किया गया है। छापामार कार्यवाही के दौरान एटा गंज डुंडवारा रोड पर सहावर तिराही के पास से एक ऑल्टो कार सवार 3 मादक पदार्थ तस्करों कुलदीप गुप्ता, राजेश तथा अरुण को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर पर NDPS एक्ट की कार्यवाही करते हुए सभी अभियुक्तों को जेल भेजा गया है। सर, ये थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध एक अभियान चलाया गया, सर क्या कार्रवाई की गई और कितने लोगों को गिरफ्तार की गई? ये थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री के विरुद्ध एक बृहद अभियान चलाया गया, जिसमें विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की गई। इसमें कुल 5 अभियुक्त पंजीकृत किए गए, जिसमें कुल 7 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। और इस पूरे अभियान में कुल लगभग 3 किलो 800 ग्राम गांजा और 1.100 ग्राम जो है डायजापाम, 400 ग्राम चरस और एक अल्टो कार की बरामदगी हुई है। सभी अभियुक्तों के विरुद्ध जो है वैधानिक कार्रवाई की जा रही है तथा इनसे पूछताछ से जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उसमें पुलिस द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश को जल्द ही 4था एक्सप्रेसवे मिलने जा रहा है। योगी सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का काम लगभग पूरा हो चुका है और जुलाई के दूसरे हफ्ते में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे देश को समर्पित करेंगे। उत्तर प्रदेश का पहला राज्य है जहां 5 एक्सप्रेसवे होंगे। यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ, पूर्वांचल के बाद अब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी बनकर तैयार है, जबकि गंगा एक्सप्रेसवे पर भी काम तेजी से चल रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बन जाने से चित्रकूट से दिल्ली की दूरी महज 6 घंटे में तय की जा सकेगी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के शुरू हो जाने के बाद चित्रकूट से दिल्ली पहुंचने में लोगों को परेशानी नहीं होगी। चित्रकूट से दिल्ली का सफर महज 6 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। दरअसल बुंदेलखंड का जुड़ाव यमुना एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से होगा, जिसकी वजह से दूसरे जिलों तक भी पहुंचने में आसानी होगी। भविष्य में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, प्रयागराज एक्सप्रेसवे के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ने पर पूरे प्रदेश में एक्सप्रेसवे फर्रांटेदार और सुगम सफर का साधन बनेंगे। लगभग 996 किलोमीटर लंबी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के 4 लेन बनाकर लगभग तैयार है। भविष्य में 6 लेन तक विस्तारीकरण की योजना है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण में कुल 4 रेलवे ओवरब्रिज, 14 लंबे पुल, 6 टोल प्लाजा, 7 रैंप प्लाजा, 266 छोटे पुल, 18 फ्लाईओवर बनाए गए हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन की तैयारियों के लिए लगातार अधिकारी दौरे कर रहे हैं। जालौन के सोमई के पास बने टोल प्लाजा के पास प्रधानमंत्री का संभावित कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर वह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शुभारंभ कर देश को समर्पित करेंगे। यूपी के बलिया में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक दवाओं का अभाव है और दवाओं के अभाव में डॉक्टरों ने मरीजों को प्राइवेट दवा की दुकानों से दवा लेने के लिए मजबूर करते हैं और मरीजों को औने पौने दामों में दवा खरीदने के लिए विवश होना पड़ता है। लेकिन वही बलिया स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां CMSD में रखी दवाओं में से लगभग लाखों रुपए की दवाएं एक्सपायर हो गई हैं और वह भी तब पता चला जब उस CMSD को खाली कराया जा रहा था। ट्रेनिंग के लिए इस CMSD से पूरे जनपद में CHC, PHC और जिला अस्पताल को दवाएं भेजी जाती हैं। ऐसे में दवाओं का एक्सपायर होना कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही है। वहीं बलिया CMO का कहना है कि मैटर संज्ञान में आया है, जब हम लोग CMSD खाली करवा रहे थे ट्रेनिंग के लिए तो कुछ दवाएं जो 2013 में एक्सपायरी हैं
और इस संबंध में ACMO से आख्या मांगी गई है। फार्मासिस्ट द्वारा निष्पादन नहीं किया गया था, आख्या उपलब्ध होते ही संबंधित के खिलाफ कार्यवाही की संतुष्टि करेंगे। कितने की दवा एक्सपायर हुई है इसका आकलन नहीं हो पाया है। एक्सपायरी में 2021 की भी दवा कुछ है, कास्ट का आकलन कर लिया जाएगा, यह एक गंभीर अपराध है। आख्या उपलब्ध होने पर कार्यवाही की जाएगी। यह मैटर संज्ञान में आया है जब हम लोग NMTC खाली करा रहे थे ट्रेनिंग वगैरह के लिए और निर्माण कार्यों के लिए, तो कुछ दवाएं मिली हैं जो कि 2013 एक्सपायरी हैं और इस संबंध में हमने ACMO स्टोर से आख्या मांगी है। संभवतः तत्कालीन फार्मासिस्ट द्वारा इसका निष्पादन नहीं किया गया था जिसके चलते ये दिक्कत आई है। आख्या उपलब्ध होते ही फिर हम लोग संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति करेंगे। सर लगभग कितनी की दवाएं होंगी? अभी इसका आकलन नहीं हुआ है, जब सारी लिस्टें बन जाएगी तो फिर इसका आकलन कर लिया जाएगा। 2021 की भी दवा कुछ है तो हमने सबकी इन्वेंट्री बनाने के लिए कहा है, इन्वेंट्री बन जाती है फिर उसके कॉस्ट का आकलन कर लिया जाएगा। यह एक गंभीर अपराध है और आख्या उपलब्ध होने के बाद फिर हम कार्रवाई की। यूपी के बलिया से है जहां बलिया पुलिस के सामने युवक की जमकर पिटाई व मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के आर्य समाज रोड में बाप बेटे की जमकर पिटाई हुई। पुलिस की मौजूदगी में मकान मालिक की दिखी दबंगई। पीड़ित किरायेदार ने मुख्यमंत्री से लगाई गुहार। किराए पर रह रहे पीड़ित दुकानदार ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई है। आरोप है कि किरायेदारी के मामले में उक्त मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बावजूद मकान मालिक के द्वारा जबरिया दुकान से बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है। इस मामले में 20 जून को स्थानीय पुलिस के मौजूदगी में कुछ लोगों द्वारा मारने पीटने और विवाद करने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कलेक्ट्रेट पहुंचे पीड़ित किरायेदार पक्ष ने आरोप लगाया कि दिन दहाड़े पुलिस की मौजूदगी में हमारे साथ मारपीट की गई और पुलिस ने उल्टा हमारे ऊपर शांति भंग करने के आरोप में चालान कर गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि कुछ लोगों द्वारा दुकान से बेदखल करने की नियत से पहुंचे लोगों ने तोड़फोड़ की और मारा पीटा जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ने पर पूरे प्रदेश में एक्सप्रेसवे फर्रांटेदार और सुगम सफर का साधन बनेंगे। लगभग 996 किलोमीटर लंबी बुलंदखंड एक्सप्रेसवे के 4 लेन बनाकर लगभग तैयार है। भविष्य में 6 लेन तक विस्तारीकरण की योजना है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण में कुल 4 रेलवे ओवरब्रिज, 14 लंबे पुल, 6 टोल प्लाजा, 7 रैंप प्लाजा, 266 छोटे पुल, 18 फ्लाईओवर बनाए गए हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन की तैयारियों के लिए लगातार अधिकारी दौरे कर रहे हैं। जालौन के सोमई के पास बने टोल प्लाजा के पास प्रधानमंत्री का संभावित कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर वह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शुभारंभ कर देश को समर्पित करेंगे। कल हमारे साथ लगभग 1 बजे के आसपास अनिल वर्मा और उसका भाई कुमकुम वर्मा अचानक हमारे दुकान पर आए और दूर एक दो पुलिस लेकर आए, कह रहे हैं कि तुम निर्माण करा रहे हो ये वो वगैरह वगैरह, और लांछन लगाने लगे, हमको खींच कर बाहर ले जाके मारने लगे, हमको बाहर मारने लगे और मेरे पापा को भी मतलब कि अंदर जाकर उनको मारा पीटा और मेरा कैमरा भी वहाँ से छीन छोड़ ले गए। जो ऊंचाई पर कैमरा था वो बच गया था, उसी का ये फुटेज है जो मैं आपको दे रहा हूँ। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।